नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है, इसलिए हमारे गन्ना किसानों को चाहिए कि उसकी बुवाई से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे कि पैदावार अच्छी हासिल हो सके। तो कौन से हैं वो अहम पहलू, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना किसानों को इससे और अच्छा मुनाफा मिले इसके लिए वे उन्नत किस्मों का चयन करते आ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस किस्म में कुछ व्याधियां आ जाती हैं, जिससे रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है और उत्पादन में कमी आने लगती है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसानों को किसी दूसरे किस्म की बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम कोई भी फसल बोते हैं तो उसका बीज उत्तम किस्म का होना चाहिए, तभी हमारी फसल अच्छी होगी। तो गन्ने की किस्मों की अगर बात करें तो जो CO0238 वैरायटी है, जो आप सभी लोग आजकल बो रहे हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और किसानों के जीवन में इसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है और इनकम में बहुत बढ़ोतरी की है। लेकिन किसान भाइयों, जैसे कि समय के चलते हुए कोई भी किस्म है तो वो पुरानी हो जाती है, और जैसा कि हम लगभग पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 0238 में एक रेड रॉट ऑफ सुगर केन, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं, वो आ चुका है, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये दिखाई देने लगा है। दूसरी एक बीमारी है जो किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं, पोका बोइंग डिजीज। तो किसान भाइयों, मैं अभी आपको इन बीमारियों का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे बचाव के लिए आपको गन्ने के बोते समय ही सावधानी रखनी होगी। ये समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए सही है। बसंतकालीन गन्ना 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच लगाया जाता है। किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिले, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीज का सही तरह से चुनाव करें। किन बातों का रखा जाए ध्यान, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। गन्ने का ऊपर का 1/3 भाग बीज के रूप में यूज करें और उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें। गन्ने की बुआई के लिए आप सभी लोग 2 आँखों का गन्ना या 3 आँखों का गन्ना आप काटते हैं, पीस काटते हैं उसके, जिससे कि आप जानते होंगे गन्ने की आँखें, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि गन्ने की आँख अगर एक इधर है तो दूसरी वाली गन्ने की आँख इधर रहती है। तो अगर आप 3 आँखों का गन्ना काटेंगे और किसी भी तरह से अगर गन्ने को डालेंगे तो उसकी आधी आंखें नीचे जाएंगी और आधी आंखें ऊपर रहेंगी। जो गन्ने की आंख नीचे चली गई उसका अंकुरण नहीं होगा। तो इसका क्या करें, इसके समाधान के लिए आप सिंगल बड़, एकल बड़, यानी एक आंख के टुकड़े काटें और सभी आंखों को ऊपर करें। दूसरी बात ये होगी, जब आप एक आंख का गन्ना काटेंगे तो 1.5 से 2 इंच का अगर ये काटेंगे आँख के दोनों तरफ से, 1 इंच इधर और 1 इंच दूसरी तरफ, तो ये केवल 30% वजन में, 1/3 से भी कम वजन में आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं और बाकी गन्ने को जो बीज का हिस्सा है इसको शुगर मिल में डाल सकते हैं। शुगर मिल को भी इसका इसलिए फ़ायदा है कि जो ये जो जहाँ पे आँख होती है यहाँ पे रस नहीं होता है, तो इसलिए आप जो यूज कर रहे हैं वो जहाँ रस नहीं है उसको यूज कर रहे हैं, और शुगर मिल के लिए आप रस वाला भाग दे रहे हैं, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तीसरा फायदा इसका ये होगा, जब आप इधर से काटेंगे 1 इंच इधर से, जब भी किसी बीज का उपचार करेंगे इसका आप, तो आप केमिकल में जब डुबाएंगे तो पूरा केमिकल इसके अंदर तक जाएगा और बीज आपका 100% उपचारित हो जाएगा, जो कि 3 आँख के गन्ने में
पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 3 आंख का गन्ना काटेंगे और उसको आप केमिकल में डालेंगे तो बीच की आंखों तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए वो अच्छी तरह उपचारित नहीं हो पाता। तीसरी बात ये है कि आप जब गन्ने की बुआई करते हो और आधी आंख नीचे जाती हैं तो 50% आंखें ही आपकी अंकुरित हो पाती हैं, इसलिए आपकी पैदावार घट जाती है। जो प्लांट की पॉपुलेशन होती है वो खेत में पूरी नहीं हो पाती। और अगर आप एकल बड़ से काटेंगे तो आपकी जो अंकुरण की क्षमता है इन आंखों की लगभग 90% से ऊपर जाती है, जिससे आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई सारी जरूरी बातें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन सी किस्में लगाई जाए, इसके लिए भी चलते हैं विशेषज्ञ के पास। पहली वैरायटी है CO 15023। ये जो गन्ना है ये CO 15023 का है। ये मैं ऊपर का थोड़ा सा भाग काट के लाया हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबा गन्ना था। और दूसरी एक वैरायटी इसकी, इस वैरायटी की अर्ली है ये, और इसकी ईल्ड भी बहुत अच्छी है, किसानों के लिए भी बहुत अच्छी है, और शुगर रिकवरी भी इसकी ज़्यादा है, तो किसान ये शुगर मिल के लिए भी बहुत अच्छी है। दूसरी एक वैरायटी है CO 13235, ये भी करनाल से निकली है, और CO 13235 भी करनाल की वैरायटी है। एक और अच्छी वैरायटी है जो कि लखनऊ जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है उससे निकली है, CO LK 14201। तो ये वैरायटी हैं, इनका चुनाव करें और धीरे धीरे 0238 का जो एरिया है उसको कम करें। इस तरह किसान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो फसल में रोग लगने की आशंका भी कम हो जाएगी और पैदावार भी बढ़िया हो सकेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। हमारे पशुपालकों को चाहिए कि गर्मी के मौसम में भी हमारे पशुओं के लिए हरा चारा हमेशा ही उपलब्ध रहे, जिससे कि दूध का उत्पादन अच्छा हो और उसकी गुणवत्ता भी बढ़े। तो इस वक्त कौन कौन सी हरा चारा फसलें आप ले सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। फरवरी का महीना लगभग रुखसत होने को है, वहीं मार्च का माह दस्तक देने की तैयारी में। ऐसे में तापमान में इजाफा होने लगता है, ऐसे में वातावरण में नमी घटती जाती है, जिससे चारागाह में पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो समय रहते चारा फसलों की खेती कर ले, जिससे पशु को पर्याप्त हरा चारा मिल सके और दूध उत्पादन में कमी ना हो। इसके लिए किसान या पशुपालक बहु कटाई वाली चारा फसलें लगा सकते हैं, जिसमें पशुपालक इस समय लोबिया की बुआई करे तो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सकता है। लोबिया एक तेज बढ़ने वाली दलहनी चारा है। लोबिया अधिक पौष्टिक व पाचक आहार है। ये फसल साथ के खरपतवार को नष्ट करके मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। इसको खरीफ और जायद मौसम में उगाया जा सकता है। इसकी बुआई करने के लिए अच्छे जल निकास वाली हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी पैदावार के हिसाब से सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत को तैयार करने के लिए हैरो या कल्टीवेटर से 2 जुताई करने से अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। बुआई के समय की बात करें तो गर्मियों की फसल के लिए बुआई का सही समय मार्च है, जबकि खरीफ मौसम में बारिश शुरू होने के बाद जुलाई माह में इसकी बुआई करनी चाहिए। भरपूर पौष्टिक चारा मिले इसके लिए भी किसान या पशुपालक उन्नत किस्मों का चयन करे, जैसे कोहिनूर उत्तर भारत, श्वेता महाराष्ट्र, बुंदेल लोबिया 2 और बुंदेल लोबिया 3 पूरे भारत में, FC8 तमिलनाडु में, UPC 607, 618, 622 उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में,
IFC 8503 व EC 4216 उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत में किस्म चयन के बाद अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की। अगर अकेले लोबिया की फसल बोना है तो 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बो सकते हैं, और अगर ज्वार या मक्का के साथ बोना है तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ठीक रहेगा। अच्छा चारा मिले, उत्पादन बेहतर हो, इसके लिए बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। वहीं सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर 6 से 7 सिंचाई करें। खरीफ मौसम में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक बारिश ना होने पर 10 से 12 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। इस तरह से सही देखभाल और सही समय पर बुआई कर देने से खरीफ मौसम की फसल 51 से 60 दिनों में और गर्मियों की फसल 70 से 75 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इस बात का ध्यान रखे कि चारा फसल की कटाई तब करे जब फसल में 50% तक फूल आ जाए। इस समय जो चारा दिया जाता है उसमें पौष्टिक गुण ज्यादा होते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुकुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें, उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें, साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या पेड़ बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में PPR का टीकाकरण करवाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां लेकर। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक खुफिया पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज बाजार में सौंदर्य प्रसादन से बने कई उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं और अपना रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें रोजगार के भी कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी से, जो कि क्या काम कर रही हैं और किस तरह से दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। खूबसूरत दिखना सभी का अधिकार है, इसके लिए हम तरह तरह के उत्पादों और घरेलू नुस्खों का सहारा लेते आ रहे हैं। वैसे तो बाजार में कई कंपनियों के उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन हम उन उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं जो प्राकृतिक चीजों से बनाए गए हैं। ऐसे ऑर्गेनिक उत्पादों की तलाश खत्म करने के लिए हरियाणा की एक महिला स्वयं के सौंदर्य उत्पाद बना रही है, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। उनका मानना है कि उनके बनाए उत्पाद त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद कारगर है। अपने उत्पादों का प्रचार कर रही ये है मृदुला जी। मृदुला जी ने शिक्षा लेकर हर युवा की तरह नौकरी की तरफ रुख किया था।
और करीब 18 साल अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने उत्पाद बनाने का विचार किया। वो कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन अलग रास्ते कुछ मुश्किल भरे भी होते हैं। लेकिन इरादे मजबूत हो तो कठिन डगर भी सहज लगने लगती है। हालांकि मृदुला जी ने भी कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों में उनकी कंपनी निखर के आई, जिसका नाम है फ्लूटस प्लस। मृदुला इस स्टार्टअप के जरिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें वो मंदिरों से निकलने वाले फूलों और अवशिष्ट का भी इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, मृदुला कई किसानों से भी जुड़ी हुई है, जिनसे उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, वो भी प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ। अपने इस काम में मृदुला जी ने करीब 100 महिलाओं को जोड़ रखा है, जो उत्पाद बनाने से लेकर बेचने में उनकी मदद करती है। 18 साल के एक करियर को छोड़कर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत उन्नति पाकर आज मैंने एक स्टार्टअप इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के परियोजना के साथ जुड़कर एक ब्रांड लॉन्च करा है, जिसका नाम है फ्लूटस प्लस, और जो कि फीमेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, 100% फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है, फीमेल्स मेड बाय फीमेल्स और पावर्ड बाय फार्मर्स। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जो कि बहुत सारे मंदिरों से जहां जो हम अपने देवताओं को, भगवान को फूल चढ़ाते हैं या बहुत सारी चीज़ें अर्पण करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो तो कई बार उनका निरादर हो जाता है। तो हमने उस भगवान के आशीर्वाद को लेते हुए महिलाओं को सक्षम करने का एक जरिया बनाया, और जिसको पावर किया, पावर्ड करा फार्मर्स ने, हमारे किसान भाइयों ने। जितने भी रॉ मटेरियल हम लोग अलग चीज़ों के लिए और जो हमें चाहिए, वो हम फार्मर से डायरेक्ट बाय कर रहे हैं। आज हमारे साथ 100 से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। हमारा ब्रांड का नाम प्लूटस प्लस है। हम 100% ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं। हाथ से बने हुए सोप्स हैं, हेयर ऑयल हैं, फेस पैक्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम स्टूडियो के मामले में एक्सक्लूसिव स्टूडियो खोल रहे हैं प्लूटस प्लस के, जो कि अम्बाला है, जलंधर है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, और 3 अभी चंडीगढ़ NCR एरिया के अंदर आ रहे हैं। हम लोग भारत और इंडिया के बीच के एक गैप को ख़त्म कर रहे हैं और उसके एक कड़ी बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की चीज़ को हम डिजिटल इंडिया तक लेके जा रहे हैं। 100% केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, SS-free से, और 100% वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है। और अब हमें हिसार RKVY रफ्तार से हम लोग जुड़े हैं, और हमने ट्रेनिंग ली वहाँ से, स्टार्टअप इंडिया के प्रोडक्ट को चुना, और अब इनको आगे लेके जा रहे हैं। मृदुला जी का ये कदम बाजार की मांग को दर्शाता है। नौकरी पेशा युवा बाजार की नब्ज को समझकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं, साथ ही देश हित में भी भागीदार हो सकते हैं। उनके इस कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है। किसी भी कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए युवा लोन जैसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, और अपने साथ साथ और अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला उद्यमी से, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप गांव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं, तो TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप गाँव किसान कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।